पुराना पंचकुला स्थित जनेंद्रा पब्लिक स्कूल में करीब 27 साल से विभिन्न कक्षाओं को मैथ पढ़ा रही अध्यापिका रजनी मोंगा सोमवार को आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। अनशन के पीछे कारण स्कूल प्रबंधकों द्वारा उन्हें कोई नोटिस दिए बिना स्कूल से निकाला जाना है। उन्होंने स्कूल प्रबंधकों पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं। रजनी मोंगा ने बताया कि पिछले 27 सालों से वे स्कूल में 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ा रही थी, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से स्कूल की प्रिंसिपल सुधा बब्बर व गुरुकुल संस्था के सचिव द्वारा उन्हें मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने रिजाइन देने की बात भी कही थी। मैं जनेंद्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ, 27 साल कम्प्लीट होने वाला है, मुझे 27 साल की नौकरी है मेरी, लेकिन अब मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली हरास किया गया, बार बार ऐसा सबके सामने, मेरे जूनियर टीचर्स के सामने बेइज्जती की गई, तो मैंने किसके द्वारा बेइज्जती की होता है? प्रिंसिपल मैडम ने बेइज्जती की मुझे, कितनी बार मेरी कैसे बेइज्जती की, किस तरह हरास किया गया? मुझे स्लिपिंग टीचर बोला गया सबके सामने, मुझे ये बोला गया कि आप पढ़ाते नहीं हो, आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैं फिर भी आपको बियर करे जा रही हूँ, आप कुछ नहीं करते हो, एक्स्ट्रा नहीं रुकते हो, शाम को नहीं रुकते हो। मैंने कहा मैम मैं अपना काम कंप्लीट करके जाती हूँ, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, मैं जाके फिर हम घर ले जाते हैं काम, घर करते हैं काम, तो मेरा हर तरह का कंप्लीट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या शुरू से ही आपको टॉर्चर किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को शुरू से इतने अवार्ड दिलवाए गए हैं, इतना मैंने स्कूल के लिए काम किया है, हर चीज़ के लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिली है, लेकिन अभी इस 4-5 महीने से मुझे नहीं समझ में आती कि मैडम को क्या ग्रज है। वहीं उनके साथ प्रदर्शन पर बैठे उनसे पढ़ चुके पूर्व विद्यार्थियों का कहना था कि उनके मैथ के टीचर उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाते थे और आज उनके पढ़ाने के कारण ही वे आज उच्च औहदे पर पहुंचे हैं। हाँ जी, मैं प्री नर्सरी से 10th तक यहीं इसी स्कूल में ही पढ़ा। जी, तो हाँ जी, कौन था? रजनी मैम ही हमारे मैथ्स के टीचर थे, फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स 10th तक मैडम से ही पढ़े हुए हैं। एंड कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, जितनी तारीफ की जाए मैडम के लिए कम है, और आज जो मैडम के साथ हुआ है उसी के सपोर्ट के लिए आज हम सब ऑफिस वगैरह से आके यही मैडम की सपोर्ट के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, ये दिस इज द रॉन्ग डिस्क्रिशनरी पावर दैट इज एक्सरसाइज बाय दिस प्रिंसिपल सुधा बब्बर मैम, वट एवर इज द मैनेजमेंट, लेकिन जो भी इन्होंने एक्सरसाइज किया बड़ा गलत किया है। मैं भी एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो अगर किसी भी एम्प्लॉई को कभी अगर आपने निकालना है तो उसके लिए 3 महीने का नोटिस सर्व किया जाता है, और अगर एम्प्लॉई उसको एक्सेप्ट करता है रिजाइन को, मैं खुद से रिजाइन देना चाहूँ, 3 महीने का नोटिस देता, तो आई थिंक कि उनको 3 महीने का टाइम देना चाहिए। दिस इज वेरी बैड कि उनको मेंटली हरास किया जा रहा है अभी एंटर करने से, बिकॉज जिसने 27 ईयर्स अपनी लाइफ के दिए होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और 27 ईयर्स में स्कूल ने इतना ग्रो किया जैसे कि एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, तो 27 ईयर्स के बाद अगर इस तरह से इनको बाहर निकाला, दिस इज वेरी बैड। हम तो 12 साल यहाँ पर पढ़े हैं, इनफैक्ट हमारे कजन्स, हमारे ब्रदर सिस्टर सब यहाँ पढ़े हैं, तो उसके हमें आज तक कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, हम ऐसी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर उनके पति गुलशन ने बताया कि उन्हें स्कूल प्रबंधकों द्वारा मीटिंग के लिए बुलाया गया है एवं उनकी पत्नी को 3 महीने के लिए नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है। कि मेरी वाइफ के लिए मैसेज आया, मुझे मैसेज दिया गया है कि आप उनको बोलें कि आप अंदर आ जाएं, 3 मंथ्स का जो आपने नोटिस दिया था अब सर्विस करें, क्योंकि अब वो सड़क पे बैठ गई हैं, उनके साथ उनके एक्स स्टूडेंट आ गए हैं। रजनी मोंगा को हाल ही में जिला उपायुक्त आशिमा बरार द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बहरहाल रजनी मोंगा ने मांगे न माने जाने पर स्कूल परिसर के समक्ष ही आमरण अनशन करने की घोषणा की है। वहीं जब इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधकों से बात करनी चाही तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से मिलने से मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।